अघोर का बंधन लगाने और खोलने का तांत्रिक प्रयोग। तो अगर आपके ऊपर अघोर का बंधन किसी तांत्रिक, किसी साधक या फिर आपके दुश्मन, आपके शत्रु ने आपके ऊपर लगा दिया है, तो उस बंधन से मुक्ति आप कैसे पा सकते हैं और उस बंधन को आप कैसे खोल सकते हैं। और खोलने के बाद, वही बंधन का पलटवार करने के बाद, आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु, किसी भी तांत्रिक की बुरी शक्ति को कैसे बांध सकते हैं, कैसे पलटवार कर सकते हैं अघोर की इस तांत्रिक विद्या के द्वारा, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपकी सुरक्षा करने वाले उपाय, टोटके, मंत्रों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं, जिनसे आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होती है। आप खुद का बंधन कर सकते हैं, घर परिवार का बंधन कर सकते हैं, बुरी शक्तियों से आप बच सकते हैं। तो उसी लड़ी में आज यह जो विद्या, यह जो तांत्रिक प्रयोग की विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए किसी मंत्र का आपने जाप नहीं करना, केवल तांत्रिक का प्रयोग करना है। तांत्रिक क्या, अघोर का कुछ लूफा भोग प्रसाद आपने देना है इसी विधि के अनुसार, और वह भी एक बार। एक बार देने से ही अगर आपके घर परिवार के ऊपर अघोर का कोई बंधन है, अघोर की किसी बुरी शक्ति का बंधन है, घर परिवार, शरीर, कारोबार का, बुद्धि का, आपके पितरों का, गद्दी का, कैसा भी कोई अगर बंधन किसी तंत्र, किसी साधक ने लगा दिया है अघोर विद्या के द्वारा, क्योंकि अघोर विद्या तो लगाई ही इसीलिए जाती है किसी का बंधन करने के लिए, कारोबार को रोकने के लिए। अगर आप गद्दी का, भगताई का काम करते हैं, उन शक्तियों को रोकने के लिए, अगर आपका पितर आपका साथ दे रहे हैं उन शक्तियों को रोकने के लिए, और जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका बंधन करने के लिए। तो जब अघोर की विद्या आपके घर में लग गई तो पूर्ण रूप से आप बंधन में आ जाएंगे, कहीं से भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके लिए जब भी हमारे घर में ऐसा कोई अघोर का बंधन लग जाता है तो पूरे घर में दरिद्रता, बुरी शक्ति, गंदे सपने, कूड़े करकट के ढेर, तो और बहुत ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुओं हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं, शमशान के सपने भी आने शुरू हो जाते हैं कि हमारी नींद भी पूरी नहीं होती, इंसान के ऊपर पूरा दबाव, भारीपन बना रहता है, शरीर में दर्द बना रहता है, पूरा बदन टूटता रहता है जब भी किसी के ऊपर अघोर का ये बंधन लग जाए। तो जितनी देर आप इस बंधन से मुक्ति नहीं पा लेते तो उतनी देर कोई भी आपके घर का इष्ट, देवी देवता, कुल देव, कुल देवी कार्य नहीं करते। तो जो आज यह जो मैं आपको उपाय, जो टोटका बताने जा रहा हूं तांत्रिक प्रयोग का, तो इससे अघोर के बंधन से भी आप मुक्त हो सकते हैं। और नंबर दो, जिसने भी किसी ने लगाया है, कोई भी वह है, तो यही बुरी शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर जाकर लग जाएगी, पलटवार होगा। तो ये जो प्रयोग आपने करना है एक ही दिन, वह जो दिन है शनिवार का, रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद, थोड़ी सी सामग्री है इस तंत्र विद्या का प्रयोग करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि यह जो बुरी शक्ति है आपके दुश्मन, आपके शत्रु को जाकर बांध दे जिसने आपका बंधन किया है, क्योंकि वैसे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे वेद ग्रंथों में लिखा है कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है।
अगर बार बार आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति लगा रहा है, तब आप इस पर योग को कर कर देखें तो तुरंत रिजल्ट होगा और आपके दुश्मन, आपके शत्रु पूर्ण रूप से बंधन में आ जाएंगे। अघोर का बंधन, जही बंधन उनके ऊपर जाकर लग जाएगा। शनिवार रात्रि के समय चार लड्डू बूंदी वाले और 14 बतासे, दो लड्डू सात सात बतासों का ये उपाय है, दो दो लड्डू और सात सात मीठे बतासे, बूंदी वाले लड्डू लेने, 4 लड्डू 14 बतासे और 1 साबुत नींबू और 1 मुर्गी का अंडा और 1 पीने वाली सिगरेट, 1 क्वार्टर शराब का देसी हो जा अंग्रेजी, ये सारी सामग्री अपने घर में लाने के बाद जो 4 लड्डू और 14 बतासे हैं उनके ऊपर अपने हाथ के द्वारा 1-1 काजल का टीका, 1-1 सिंदूर का टीका लगा दें आप, और जो मुर्गी का अंडा है उसके ऊपर भी 1 काजल का टीका, 1 सिंदूर का टीका आपने लगा देना है। और ये जो सारी सामग्री है, आपने दो दो लड्डू सात सात बतासे, दो लड्डू सात बतासे एक साइड के ऊपर आप रख लें बाहर, और दो लड्डू सात बतासों को आप एक लिफाफे में डाल दें, उसी में सिगरेट डाल दें, उसी में अंडा डाल दें जिसमें काजल और सिंदूर के टीके आपने लगाए हुए हैं, और जो क्वार्टर शराब का है उसका ढक्कन खोल लें, फिर से उसका ढक्कन लगा दें, और जो वह नींबू है उस नींबू के ऊपर 1-1 काजल का टीका, 1-1 सिंदूर का टीका लगा लें, और उस नींबू को 2 भागों में काट लें, दो भाग अलग अलग सेंटर में से काट लें। उसके बाद 1 टुकड़ा जो नींबू का है आपने उसको उसी लिफाफे में डाल लेना है और 1 टुकड़े को बाहर रखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो वह आधा कटा हुआ नींबू है गोबर के कंडे, गोबर के उपले की आग अंगारी तैयार करने के बाद उसमें आपने थोड़ा से सरसों के तेल की उहूती डाल देनी है, उसके बाद उस नींबू को जला देना है, उसकी उहूती डाल देनी है, और उसके बाद जब वह उहूती जल रही हो, अग्नि जल रही हो, तो उसके बाद जो 2 लड्डू 7 बतासे आपने साइड के ऊपर रखे हैं उसके ऊपर से आपने 7 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद अपने घर की छत के ऊपर रख देने हैं आपने तुरंत। इससे जो घोर की बुरी शक्ति होगी वह दूर होगी और आपके घर में सही पहरा हो जाएगा। आपने अपने घर की छत के ऊपर इसको रख देना है जो लास्ट में छत हो। उसके बाद जो शेष ये सामग्री है, अंडा, क्वार्टर शराब का, लड्डू, बतासे, सिगरेट जो और जो नींबू है जो आपने लिफाफे में डाला है, उसको आपने वह जो अग्नि है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज घुमा लें, फिर पूरे घर में आपने इसको घुमा लेना है, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, घर से बाहर कहीं भी खुले कलर मैदान, चौगान, किसी कूड़े करकट के ढेर में, कहीं भी आप घर से बाहर जाकर इसको रख कर आ जाए तो इससे जो अघोर का तंत्र होगा उसकी काट हो जाएगी और आपकी सुरक्षा हो जाएगी, और आपके घर में जो बंधन है उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके दुश्मन, आपके शत्रु के ऊपर जाकर ये बंधन लग जाएगा इस तांत्रिक प्रयोग के द्वारा। एक बार आप कर देखें तो रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखें। अगर वीडियो बड़े लगे लाइक शेयर कर दें, साधनों समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैर बना। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।